इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर एक एनजीओ और मर्सी मिशन जो एक इनिशिएटिव है जिसमें 20 से ज़ायद एनजीओज मिले हुए हैं एक अम्ब्रेला में हम आकर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सभी को जो है राशन तकसीम कर रहे हैं अभी कोविड-19 के इस मसले में अचानक लॉकडाउन होने की वजह से और गैर मुसलमान में भी राशन तकसीम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है 1000 से ज़ायद फूड पैकेट्स जो फूड बनकर आता है वो जो है जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं जो स्लम्स हैं उनमें रोज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है और हाईवेज में जाकर ट्रक ड्राइवर्स को भी दिए जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी होटल खुली नहीं है तो उनको भी फूड पैकेट्स और राशन दोनों पहुंचा रहे हैं। आज राशन कितने घरों तक पहुंचा है साहब? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1000+ घरों को राशन पहुंचा चुके हैं और चूँकि लॉकडाउन बढ़ने का इम्कान है तो उस वजह से और तरतीब करके मीटिंग करके और उसको हम कैसे और पैकेज करके जो है और गरीबों तक कैसे पहुंचे देखकर जो है उन तक भी राशन पहुंचाया जाएगा। हालात कैसे हैं सर अभी जो गरीबों के घरों के हालात क्या हैं क्या आपको नज़र आए घरों तक जाने के बाद? लॉकडाउन चूँकि अचानक हुआ है तो इस वजह से काफ़ी घरों में कुछ अनाज ऐसा स्टॉक नहीं था तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो राशन पहुँचा रहे हैं उनको तो उस राशन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़रूरत भी है और वेजिटेबल्स दूध वगैरह लोकल एमएलए कॉरपोरेटर उनसे भी मदद मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से भी है और एनजीओ और मर्सी मिशन से भी जो है हम कोशिश करके उन तक पहुंचा रहे हैं। रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है सर जो राशन जाने के बाद उनके घरों में क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? लोग खुश हैं और दुआ दे रहे हैं कि उन तक मदद पहुँच रही है और उनको दर दर की ठोकर नहीं खाने पड़ रही है और दूसरी बात यह है कि एनजीओज जो है जो पहले से ही फील्ड में काम कर रहे थे उनको भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिला फिर से कम्युनिटी को सर्व करने के लिए और सोसाइटी को मदद करने के लिए। सर ये जो काम जो रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है जो खाना तकसीम का है ये क्या सिर्फ एनजीओज का काम है या दूसरे भी बहुत सारे मालदार हैं कोई आगे बढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो हमारे वॉलंटियर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैनेजमेंट के और जो ज़िम्मेदार फील्ड पर उतर कर काम कर रहे हैं अपने ज़िंदगी को रिस्क करते हुए और उन फैमिलीज़ पेरेंट्स का भी और जो स्पाउसेस हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त पर नाजुक घड़ी है क्योंकि किससे वायरस कहाँ फैलेगा नहीं पता लेकिन वॉलंटियर्स जो एहतियात कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है तो इससे मैं सबसे पहले तो वॉलंटियर्स का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा वो हजरात जो बालदार है उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप फील्ड पर नहीं आ सक रहे लेकिन हमें जो है डोनेट कर हमारे साथ आप देख सकते हैं हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी पूरे 100% मेंटेन कर रहे हैं पैसे कहाँ से आ रहा है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो भी डोनेशन आ रहे कोविड-19 के तो हम जो है उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि राशन खरीद कर लोगों तक पहुँचे। अभी हमने देखा कि कुछ 25 से 30 ट्रक ड्राइवर जो दवा स्पेट में अटक गए थे उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्होंने कुछ स्टव का इंतज़ाम कर लिया था तो वहाँ तक भी हम राशन पहुँचा रहे हैं और जो रैक पिकर्स है ऐसे अलग अलग लोग हैं जैसे पॉकेट्स है जहाँ पर स्लम्स है जहाँ पर उनके लिए रोज़ पकाना रोज़ खाना है तो उन लोगों तक हम पहुँच रहे हैं। तो मालदार हजरात से गुजारिश है कि वो डोनेट करें और जो मुस्लिम हजरात है जो ज़कात यूजुअली रमदान में देते हैं उलमा भी बोल रहे हैं हमारी भी गुजारिश है कि आप पहले से ही आप ज़कात दें ताकि हम गरीबों तक पहुंच सके और सही इस्तेमाल हो सके। आवाम के लिए लास्ट पैगाम क्या है सर? आवाम के लिए बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उलमा इकराम जो हिदायत दे रहे उन पर अमल करें घरों पर ही रहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे और जो है घर से बाहर बिना वजह मत निकलें। ज़रूरत है तभी आप बाहर आए कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत हो या फिर कोई वेजिटेबल्स या कुछ अहम ज़रूरत हो तभी बाहर निकले और घर से सिर्फ एक अफराद बाहर निकले और तफरी का ये बना लेकर बच्चों को लेकर हरगिज़ भी बाहर ना आए। और जो हिदायत गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से आ रही है जो डिस्टेंस मेंटेन करना है और जो घरों पर रहने की हिदायत आ रही है उस पर सख्ती से अमल करें। शुक्रिया। आपका नाम? जुहैब खान, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर। तो हमारे येडियुरप्पा सर ने जो बोला है चीफ मिनिस्टर ने कि जो रूमर्स पे ध्यान ना दें तो हमें चाहिए कि हम रूमर्स पे ध्यान ना दें। कल कोई बोलता है आज ये बोलता है तो जो गवर्नमेंट से मैसेज आ रहा हम उस पे ध्यान दें। और आज का जो प्रोग्राम है रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो इसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारे लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई और जो मालदार लोग हैं कि ये सब मिल के ना तो कोई
मतलब सेंटर अकेला कर नहीं सकता है, तो मालदार लोगों से भी हमने कहा है कि अपना, और हमारे उलमाओं ने भी कहा है कि इसी में ये रमज़ान का ज़कात वगैरह देके और हम लोग इसी को एक अच्छे से हम तकसीम कर सकते हैं, ताकि हम लोग सब गरीबों के घर घर पे जाके और राशन पहुंचा दें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर घर पे जाके और लाइन से जाते हैं, उसमें ना हिंदू समझते हैं ना मुसलमान समझते हैं, सब एक एक घर जाके उनका आधार कार्ड लेते हैं, और वो भी इसीलिए लेते हैं ताकि सेकंड टाइम वो दूसरी जगह ना ये अप्लाई हो, और एक एक घर जाके हम लोग उनका राशन कार्ड राशन पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम और पैकेज बना के और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे। हम लोग है गोरखपुर से। गोरखपुर आप किस सिलसिले में आए? इधर काम करते हैं, तभी टेंट पॉलिश का भी सब बंद हो गया है, काम नहीं होता, बच्चे लोग है काम करने का है, बाकी अभी काम नहीं करता है। हालात कैसे अभी घर पे? बहुत हालात खराब है, रेशन अनाज कुछ कहीं से नहीं आता है। आपको इधर के लोकल पॉलिटिशियन लीडर से कुछ मदद मिली है? नहीं मिला है। तो इस्लामिक सेंटर की तरफ से जो अनाज बांट रहे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या करना, यही भुना अच्छा रहना और क्या। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चार दिनों से मुसलसल हम लोग अनाज बांट रहे हैं, जो गरीबों हैं, जो दर्द हम लोग उनका देख रहे हैं वो देखने नहीं हो रहा हम लोगों को। क्या दर्द है सर गरीबों में? ना उनके पास रोज़ी है ना रोटी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह हम लोग को दे रहा है कुछ ना कुछ उनको हम लोग खाना खिला सके, दो वक्त की रोटी खिला सके, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जो ये जद्दोजहद में लगे हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह स्लम्स में भी हमारा काम चल रहा है, जहाँ पर खाना पका के हम लोग पैकेट्स दे रहे हैं जो लोग बाहर नहीं आ सकते। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर गए हैं, पानी का टैंकर जो है ना, पानी पीने की किल्लत है, खाना हर कोई बांट रहा है पर पानी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आज से हम लोग टैंकर स्टार्ट करके घर घर जो झोपड़ी है सब जगह हम लोग पानी का स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह रेस्पॉन्स अभी हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोग, ऐसा है मसला। MLA कॉर्पोरेट की तरफ से क्या आपको मदद मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है। आपके इस्लामिक सेंटर की तरफ से? सेंटर से हमारे जो डोनर्स हैं, जो हमारे जो खैर खां हैं, जो हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, उन्हीं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को जनरेट करके हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं।